सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और एक घंटा वाला बटन जरूर दबाइए जिससे आप मेरे आने वाली नई वीडियो को देख सकें। हेलो दोस्तों, तो कैसे आप लोग। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास कोई ख़राब मोबाइल है, मेरे कहने का मतलब दोस्तों कि उसका कैमरा और बैटरी दोनों सही है, तो आप उसको CCTV कैमरा बना सकते हो। दोस्तों मैं आपको लाइव टेस्ट करके दिखाऊंगा और ये काफ़ी आसान है, आप बहुत ही जल्दी कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देख लेते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दो मोबाइल है, नई और पुरानी। तो दोस्तों आपको नई मोबाइल में एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है और आपको अपने पुरानी मोबाइल में एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है। तो सबसे पहले हम नई मोबाइल में एक एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेते हैं, ठीक है। आपको सर्च बार में जाना है और वहाँ पर टाइप कर देना है @home camera। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक एप्लीकेशन आ चुकी है जिसको मैं इंस्टॉल करके रखा हूँ। इसका आइकन भी आप देख लीजिए। तो आपको इसको नए मोबाइल में इंस्टॉल करना है और आप इसकी रेटिंग भी देख सकते हो, काफ़ी अच्छी रेटिंग है। अब चलिए आपको पुराने मोबाइल में एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है जो मैं आपको बता देता हूँ। तो मैं प्ले स्टोर ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। अब दोस्तों आपको यहाँ पे टाइप कर देना है @home video। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक एप्लीकेशन आ चुकी है @home video करके। तो आपको ये पुराने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेना है। अब दोस्तों आपको क्या करना है, आपको अपने पुराने मोबाइल का एप्लीकेशन ओपन कर लेना है। अब आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख जाएगा जनरेट QR कोड, तो आपको सिंपली इस पर टच कर देना है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे QR कोड आ चुका है। तो दोस्तों अब मैं नए मोबाइल का एप्लीकेशन ओपन कर लेता हूँ। तो दोस्तों एप्लीकेशन ओपन होने के बाद हमारा इंटरफेस कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब आपको लॉगिन करना है, तो मैं फेसबुक से लॉगिन कर लेता हूँ, ठीक है। तो आपको इसको एक बार लॉगिन करना है। लेकिन दोस्तों आपको ध्यान रहे, आपके पुराने मोबाइल में कुछ भी नहीं रहेगा, चलेगा, लेकिन आपका जो नया मोबाइल है उसमें इंटरनेट होना बहुत ही ज़रूरी है, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। अब दोस्तों हमको यहाँ पे एक प्लस का आइकन दिख जाएगा, तो आपको इस पर टच कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा @camera by QR कोड, तो सिंपली मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ और अपना QR कोड स्कैन कर लेता हूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि मैं QR कोड स्कैन कर लिया। अब दोस्तों आपको एंड्रॉयड करके यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा, तो आपको सिंपली इस पर टच कर देना है। टच करने के बाद आप देख सकते हैं, अब मैं अपने मोबाइल को जैसे घुमाऊंगा वैसे इसमें आएगा, ठीक है। मैं अपना उंगली पीछे करता हूँ, आप देख सकते हैं कि जैसे मैं अपना उंगली पीछे किया वैसे इसमें मेरा उंगली आ गया, ठीक है, जो मेरे इस कैमरे में चल रहा है मेरे इस कैमरे में चल रहा है। तो दोस्तों इस तरह से आप अपने पुराने मोबाइल को CCTV कैमरा बना सकते हैं और उसका यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो कमेंट करके ज़रूर पूछें। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।